नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे ट्रेनिंग कैंप में कुछ अभ्यर्थी जो अभी अभी अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, मैं उन लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा। आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये लोग कहाँ से आए, किस तरह से आए, कितने दिनों का इन्होंने ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग का यहाँ का वातावरण कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बताइएगा सबसे पहले आप। जी, मैं संजीव कुमार मोतिहारी से। जी, मैं जब यहाँ आया तो पहले कुछ नहीं जानता था। अच्छा। पहले मैंने कभी गाड़ी चलाया नहीं था। अच्छा। आज 17 दिन का कोर्स मेरा पूरा हो चुका है। अच्छा। और बाकी 8 दिन है जो समय आने पर फिर ड्राइविंग के। अभी मैं कोई भी गाड़ी 3 गियर 1 मिनट में निकाल सकता हूँ। अच्छा, इंटरव्यू का क्या हिसाब किताब रहा? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इंटरव्यू क्लास चलती है यहाँ पे? जी, क्लास हाँ? चलती है रेगुलर। जी, रेगुलर। अच्छा, कुछ लगता है एहसास हो रहा है कि हम कुछ सीखे हैं गाड़ी के बारे में? अच्छा, आप बताइएगा अपना नाम। अमरेंद्र कुमार पाठक। अमरेंद्र किस जिला से बिलोंग करते हैं? जी सर, सिवान जिला से। सिवान जिला से। गाड़ी चलाना जानते थे आने से पहले? आने से पहले थोड़ा भी नहीं जानते थे। अब चला लेते हैं गाड़ी? जी सर, अब चला लेते हैं। 1 मिनट के अंदर सब गाड़ी निकाल लेते हैं। टी ऑप्टिकल से? जी सर। 12 ऑप्टिकल यहाँ न होता है? नहीं सर। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में क्या ख्याल है, कैसा रहा इंटरव्यू का क्लास? इंटरव्यू इतना अच्छा लग रहा कि जैसे अब हम लोग इंटरव्यू भी निकाल सकते। अच्छा से। आपका नाम? मंजस कुमार पाठक, सिवान से। सिवान से, दोनों आदमी सिवान से। सिवान में कहाँ से हैं? सिवान में अंदर बारवा से। और आप? बारवा से। हम दोनों आदमी बरवे से हैं। कैसा रहा मंजस साहब का? बहुत बढ़िया। अच्छा रहा? अच्छा, लगता है बिहार पुलिस ड्राइवर का जॉब हो जाएगा? सर होगा ही होगा। होगा। चलिए आप बताइए। मैं प्रभात कुमार जिला से बिलोंग करता हूँ, निवासी रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर स्काई वर्ल्ड में आया हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, जो कि मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब टी ऑफ कर गाड़ी निकालने के लिए, जो कि यहाँ आने पर बहुत कुछ जानकारी मिला। और स्कॉर्पियो बोलेरो जीती 1 मिनट के अंदर में निकल जाता है मेरा सब। 1 मिनट के अंदर में 3 गियर में? अच्छा, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू सर बहुत कुछ अच्छा पढ़ाई। साइन सिंबल क्वेश्चन आंसर जो हम पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, वो अप्रोच, वो पार्ट्स पुर्जा का नॉलेज, साइन सिंबल का नॉलेज, गाड़ी में जो सिग्नल होते हैं उसके नॉलेज के बारे में सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्फिडेंस आया है कुछ जानकारी के मामले में। आप लोग, आप कहाँ से हैं? रोहतास में। कहाँ से? कर्मा। और आप? रोहतास जिला कर्मा से। दोनों लोग कर्मा से हैं? अच्छा, रोहतास से है ना। तो यहाँ पर किस माध्यम से पहुँचे थे ट्रेनिंग के लिए? सर वीडियो से। सर यूट्यूब वीडियो से। दोनों आदमी साथ में आए हैं ना। तो दोनों लोग यूट्यूब वीडियो से ही पहुँचे थे। तो जितना बात बताया गया था आने से पहले, कितना गाड़ी है, इंटरव्यू का क्लास, रहना खाना सब मिला प्रॉपर ढंग से, किसी में कोई दिक्कत? अच्छा, तो जितना बताया गया उस पर हमारे ट्रेनिंग सेंटर की टीम खरी उतरी है। चलिए, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमित कुमार, भोजपुर का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, गाड़ी के बारे में मतलब कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ सब गाड़ी मतलब कोई 4 व्हीलर गाड़ी रहेगा, 1 मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर 3 गियर में कोई गाड़ी निकाल सकते हैं। गाड़ी के बारे में भी जानकारी हो गया है और इंटरव्यू वगैरह सब मतलब अच्छी तरह का मतलब जानकारी है मेरे पास। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आना चाहते तो उसके बारे में क्या कहिए? मतलब निश्चिंत होकर यहाँ आ सकता है। आ सकता है, कुछ भी नहीं जानेगा तो यहाँ मतलब सीख जाएगा। लोग कहते हैं कि सर आपका कितना का बैच चलता है कि रोज फुल हो जाता है? बैच अनाउंस हुआ दूसरा दिन ही बैच फुल हो जाता है, तो उन लोग के लिए क्या कहिएगा? उन लोग ये जो भरमा रहा लड़का लोग गलत है, ठीक है, बैच फुल हो जाता है, इसके लिए क्या कहिएगा कि बैच फुल हो जाता है तो भाई टाइम से आए? यहाँ का जो बैच है उसके बारे में क्या कहिएगा? मतलब लड़का कोई भी हो मतलब जल्द से जल्द यहाँ मतलब ट्रेनिंग कर ले, उसके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, आगे के लिए मतलब गाड़ी चला मतलब बढ़िया से मतलब निकाल सकता है। कोई जो किसी को भरमा रहा है उसके लिए क्या कहिए? उसके लिए बोलते हैं कि वो खुद बुर्बक है, दूसरा का और बुर्बक बना रहा है, दूसरा को और बेवकूफ बना रहा है ना। मतलब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे ना, तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। मुंगेर से है। असरगंज थाना मेरा पड़ोस, मेरा मकवा गांव हुआ। मकवा गांव। अच्छा, यहाँ आने से पहले गाड़ी चलाते थे? कुछ नहीं चलाते थे। आके सीखे हैं? पूरा। पहला दूसरा दिन फ्रस्ट्रेट हुए थे, आपको डांट पड़ी थी, याद है? जी सर, जी सर। अच्छा, गाड़ी उसके बाद फिर अच्छा निकलने लगा होगा? 1 मिनट के अंदर में तीनों गाड़ी निकल जाता है, सब कुछ प्रॉपर ढंग से। इंटरव्यू का कैसा रेशियो रहा? इंटरव्यू सर करने से बहुत संतुष्टि हमको मिला कि सर पता नहीं था कि इंटरव्यू कैसा होगा क्या होगा, लेकिन आपका क्लास करने से मुझे बहुत संतुष्टि मिला। खाना पीना रहना बहुत कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना दिन रहे हैं अभी? हम सर 17वां दिन हाजिरी हुआ, 17 मेरा पूरा करके जा रहे हैं। अच्छा, 17वां हाजिरी है आपका, और रहे कितना दिन? 8 दिन, क्योंकि पर डे डबल अटेंडेंस आप लोग, आज 9वां दिन है। 9 दिन में कई बार नॉन वेज चला है? 3 बार सर।
तीन बार चला है, तीन बार या चार बार, चार बार है ना। तो खाना में कोई समस्या? दो टाइम भोजन, एक टाइम नाश्ता बोला जाता है आने से पहले, एकदम ऑन टाइम मिलता है प्रॉपर ढंग से? चलिए आप अपना नाम बताइएगा। आर्यन कुमार मंडल। आर्यन कुमार मंडल, वाह क्या नाम, क्या बात है। तो भागलपुर में कहाँ से हैं? तिरपैती से हैं। गाड़ी चलाना जानते थे आने से पहले? आने से पहले मुझे बिल्कुल भी गाड़ी चलाना नहीं आता था। नहीं आता था, सीख गए? जी सर। तो क्या लगता है बिहार पुलिस ड्राइवर का जॉब हो जाएगा? तो अभी है कि निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। टेस्ट में 56 सेकंड में गाड़ी निकाली है। 56 टेस्ट में? अच्छा, अगर और एक दो टेस्ट दीजिएगा तो 30-35 सेकंड में। अच्छा, जनरली गाड़ी चलाते हैं तो कितना देर में निकलता है आपका? 55 सेकंड लग जाता है। ओ, क्योंकि एट ऑप्टिकल, अच्छा जॉन बॉस्को वाले ग्राउंड में? अच्छा, तो वहाँ का एट ऑप्टिकल 2 इंच छोटा है, 8 फीट 4 इंच के गेट में आप लोग गाड़ी चलाते हैं। वही अगर आप लोग एक्चुअल ट्रैक पर जब आइएगा तो और कम समय आता है, 40 सेकंड। ठीक है, हाँ। और सारा है स्टेयरिंग काटने के ऊपर, स्टेयरिंग अगर जल्दी से अगर आप काटते हैं तो फिर 30-35 सेकंड में आप आ सकते हैं। बाकी गाड़ी चलाने में कोई समस्या? कोई समस्या? 5-6 तरह का गाड़ी तो चला लिए होंगे 7-8 दिन में। जी सर। अच्छा, चलिए आप लोग बताइए, आप लोग दोनों आदमी के बारे में, जैसा कि सभी लोग जानते हैं ये ऑलरेडी पहले से ड्राइवर है, गाड़ी चलाना जानते थे, और ये जो स्कॉर्पियो पीछे लगी हुई है इन्हीं के स्कॉर्पियो, भागलपुर जिले से है ना? भागलपुर से खुद गाड़ी चला के यहाँ आए थे, ऑलरेडी ड्राइवर थे यहाँ। आने से पहले 3 गियर में स्कॉर्पियो को निकालते भी थे अपने घर पर, वीडियो हमको भेजते थे और हम इनको गाइड भी करते थे कि आपके यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर बेहतर कीजिए। क्या जी अमरेंद्र जी, तो आप लोग यहाँ आए, यहाँ ट्रेनिंग करने आने का क्या उद्देश्य, क्या था मेन उद्देश्य आप लोग का, क्योंकि गाड़ी तो आप निकालते थे? मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आने का सर मेन मोटिव था इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, इंटरव्यू का, जो कि बहुत अच्छे से करवाया गया, बहुत अच्छे से करवाया गया। जितना कि यूट्यूब पे बताया जाता है उतना ही अच्छे से यहाँ पे मतलब पढ़ाया जाता है इंटरव्यू पर डे, एकदम बोर्ड पे क्लास चलती है, प्रैक्टिकल क्लास गाड़ी के सामने जाके चलती है ना। जिस तरह आप लोग मैट्रिक इंटर का कोचिंग क्लास करते हैं उसी तरह का ना कोचिंग क्लास होता है ना। ऐसा नहीं कि बउआ ये पार्ट देख लो हो गया, क्योंकि वहाँ पर पार्ट्स बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना। पिछला बार जो बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम हुआ उसमें पार्ट्स नहीं पूछे जाते थे, पूछे क्या जाते हैं वहाँ पर, रजिस्टर्ड सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल आप लोग को यहाँ पढ़ाया गया। इन लोगों के इंटरव्यू को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, याद है कि एक हो गया ये, हो गया कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है, और दूसरा पार्ट कि ये आपको एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो शुरू में हमने आपको नॉलेज के बारे में पढ़ाया, फिर बाद में हमने आपको पढ़ाया कि ये आपको पूछे जाएंगे। तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम नॉलेज दे के छोड़ देते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ इंटरव्यू का तैयारी नंबर लाने लायक करा के छोड़ देते हैं। इस ढंग से यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी चलती है कि दोनों पोर्शन स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाए और स्टूडेंट बेहतर ढंग से रिजल्ट कर सके। तो यहाँ की ट्रेनिंग में आप लोग को कोई समस्या हुई? कोई समस्या नहीं? खुश है ना यहाँ की ट्रेनिंग से? तो लगता है बिहार पुलिस ड्राइवर का जॉब सिक्योर हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ का नारा है पहले से, अब की बार बिहार पुलिस पार, बिहार पुलिस ड्राइवर पार। एक बार आप लोग लगा दीजिए नारा जोर से, अरे जोर से, पक्का एक बार और। चलिए आप लोग जो है अभी आप छुट्टी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और जो नोट्स पढ़ाए गए हैं, जो आप लोगों को क्लासेस दी गई है, उसका रिवीजन सतत करते रहें, निरंतर उसका रिवीजन करते रहें। और जब फिर ड्राइविंग टेस्ट का डेट आएगा तो आप लोगों का 8 दिन का ट्रेनिंग सुरक्षित रखा गया है। जब ड्राइविंग टेस्ट का डेट आएगा उस समय आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा, सारा कोर्स का रिवीजन करा दिया जाएगा। जिस तरह की क्रैश कोर्स होता है, जो आप लोगों ने 17 दिन 18 दिन 20 दिन में सीखा, वो फिर लास्ट में 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो आपका कोर्स बचा हुआ है उसमें सारा कोर्स का रिवीजन करा दिया जाएगा, जिससे कि रिजल्ट होना आपका और सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस छूट जाने के बाद रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, गाड़ी निकलने में समस्या हो सकती है, आप इंटरव्यू के क्लासेस को भूल सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का मेन काम था पढ़ाई लिखाई करना, लुसेंट का जीके पढ़ना, क्राउन पढ़ना, लेकिन यहाँ के आपको राजा यादव का स्काई वर्ल्ड वाला नोट्स पढ़ना पड़ रहा है ना। तो क्योंकि पूछेगा यही, अब मैरिट फाइनल बनना है ड्राइविंग पर ही, इसका तैयारी प्रॉपर ढंग से समय समय पे करनी है। तो आप लोग नोट्स को पढ़ते रहिए, जिनके पास गाड़ी अवेलेबल है वो लोग अपना सप्ताह में 1 दिन भी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और जिनके पास गाड़ी नहीं है समय आने पर फिर स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप में आए, प्रैक्टिस करें। रिजल्ट से रिजल्ट करने के लिए तो हमारा इंस्टीट्यूट मशहूर है ही, तो रिजल्ट आप लोग करिएगा तभी स्काई वर्ल्ड का नाम रोशन होगा। आप लोगों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए मैं राजा यादव बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ।